हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 49 का स्टडी करने वाले हैं और इसमें हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट के सम्स करने हैं। तो सबसे पहले हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट किसे कहते हैं वो समझेंगे और फिर उसके सम्स करेंगे। तो चलो पाइथागोरियन ट्रिपलेट किसे कहते हैं वो समझते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ट्रिपलेट ट्रिपलेट यानी अ ग्रुप ऑफ थ्री नंबर्स। सो हियर वी आर कंसीडर थ्री नंबर्स 6, 8, 10। सो दिस इज अ ट्रिपलेट। सो व्हेन वी कैन से दैट दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, कब हम इस ट्रिपलेट को पाइथागोरियन ट्रिपलेट कह सकते हैं ये हमें समझना है। तो चलो इसके लिए थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम का रिविजन करते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम में हमें कैसा इक्वेशन मिलता है, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिया है तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमें इक्वेशन मिलता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। इस तरह का इक्वेशन हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके मिलता है एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। तो यहां पर एसी यानी हाइपोटेन्यूज है और हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, बिगर साइड होती है। तो ये जो इक्वेशन हमें मिला ये कैसे मिला, स्क्वायर ऑफ बिगर साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ स्मॉलर साइड्स। सबसे जो बड़ी साइड है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर साइड्स। तो इस तरह से हमें पाइथागोरस थ्योरम का इक्वेशन मिलता है। अगर इसी तरह का इक्वेशन यहां पर भी हमें मिलता है इन केस ऑफ दिस थ्री नंबर्स, यहां पर भी अगर उसी तरह का इक्वेशन अगर हमें मिलता है तो फिर हम कह सकते हैं ये ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो देखो हम वेरीफाई करेंगे, इस तरह का इक्वेशन यहां पर हमें मिलता है, यानी सबसे पहले जो यहां पर ग्रेटर नंबर है उसका स्क्वायर हम फाइंड करेंगे। तो ग्रेटर नंबर 10 है तो 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद स्मॉलर नंबर्स के स्क्वायर्स की सम यानी 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, स्मॉलर नंबर के स्क्वायर्स की सम अभी कितनी आती है, 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना आएगा 8 8 64। और ये 36 और 64 की अगर हम सम करेंगे तो वो आएगी 100। 4 प्लस 6 10, कैरी 1, 6 प्लस 3 9 और कैरी जो 1 आया है वो 10। तो इस तरह से 100। तो ये इक्वेशन 2 हमें मिल गया। अब देखो ये सबसे बड़ा जो नंबर है उसका स्क्वायर और दो छोटे नंबर्स के स्क्वायर्स की सम सेम आ रही है, यानी हमें यहां पर ऐसा इक्वेशन बन रहा है 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। सबसे बड़ा नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू छोटे नंबर्स के स्क्वायर्स की सम, स्क्वायर ऑफ ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ स्मॉलर नंबर्स। तो ये भी पाइथागोरस थ्योरम जैसा ही इक्वेशन यहां पर हमें मिल गया। अगर ये गिवन थ्री नंबर्स के बारे में इस तरह का इक्वेशन बनता है स्क्वायर ऑफ ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ स्मॉलर नंबर्स, देन वी कैन से दैट दिस गिवन ट्रिपलेट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सो हियर वी कैन से दैट दैट 6, 8, 10 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इस तरह से गिवन ट्रिपलेट को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं ये वेरीफाई कर सकते हैं। अब यहां पर और एक एग्जांपल हमने लिया है और एक ट्रिपलेट हमने लिया है वो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं हम वेरीफाई करेंगे। अगर इसी तरह से इक्वेशन मिला हमें पाइथागोरस थ्योरम जैसा तो हम उसे पाइथागोरस ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहेंगे, अदरवाइज पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं कहेंगे। अब यहां पर भी हम वेरीफाई करेंगे, यहां पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 4, तो उसका स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर कितना आएगा 16। सपोज ये इक्वेशन 1 कह देंगे। अब उसके बाद जो स्मॉलर नंबर है उनके स्क्वायर्स की सम यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, स्मॉलर नंबर के स्क्वायर्स की सम। अब देखो कितने आएगी ये सम, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 और 4 और 9 की सम कितनी आएगी 13।
तो ये यहां पर इक्वेशन नंबर टू हमें मिल रहा है। अब देखो इक्वेशन बन रहा है कि इसमें 4 का स्क्वायर 16 आ रहा है और छोटे नंबर्स के स्क्वायर्स की सम 13 आ रही है, यानी दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रहे। इसका मतलब यहां पर इक्वेशन नहीं बन रहा है पाइथागोरस थ्योरम जैसा। दैट मीन्स ये इक्वेशन 1 और 2 का यूज करके हमें 4 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इस तरह का यहां पर हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है। इक्वेशन नहीं बन रहा है, इक्वेलिटी नहीं आ रही है। जैसे यहां पर इक्वेलिटी आ गई थी वैसे यहां पर इक्वेलिटी नहीं, इसलिए हमने नॉट इक्वेलिटी का साइन यहां पर कर दिया। ग्रेटर नंबर का स्क्वायर और स्मॉलर नंबर के स्क्वायर की सम इक्वल नहीं आ रही है। इसका मतलब ये जो ट्रिपलेट है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम आंसर लिखेंगे 2, 3, 4 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, तो यहां पर हमें केयरफुली नॉट लिखना जरूरी है, दैट इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इस तरह के सम्स हमें प्रैक्टिस सेट 49 के पहले क्वेश्चन में करने हैं। यहां पर हमें ट्रिपलेट्स दिए हैं, 6 एग्जांपल्स लगभग हमें पहले क्वेश्चन में करने हैं, उसमें ट्रिपलेट्स दिए हैं, वो ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है, इस तरह का वेरिफिकेशन करने के सम समय क्वेश्चन 1 में करने हैं। तो चलो इसके बाद प्रैक्टिस सेट 49 का क्वेश्चन 1 शुरू करते हैं। चलो अभी प्रैक्टिस सेट 49 का क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 इज फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स, और यहां पर हमें 6 एग्जांपल्स दिए हैं, हर एक एग्जांपल में गिवन ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं हमें वेरीफाई करना है। तो चलो पहले एग्जांपल का आंसर लिखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज 3, 4, 5, द गिवन ट्रिपलेट इज 3, 4, 5 एंड वी हैव टू डिसाइड वेदर दैट ट्रिपलेट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट। तो चलो पहला आंसर लिखते हैं। आंसर में सबसे पहले हम गिवन ट्रिपलेट मेंशन करेंगे, गिवन ट्रिपलेट दैट इज 3, 4, 5। अब यहां पर सबसे बड़ा नंबर 5 है तो उसका स्क्वायर हम पहले फाइंड करेंगे। 5 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड स्मॉलर नंबर के स्क्वायर की सम फाइंड करेंगे। स्मॉलर नंबर 3 है एंड 4 है, सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये सम कितनी आएगी, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और 16 और 9 की सम करेंगे तो 25 आएगी। तो सपोज ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों वैल्यू सेम आ रही है, 25 25, यानी 5 का स्क्वायर और स्मॉलर नंबर के स्क्वायर्स की सम 25, तो दोनों वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब यहां पर इक्वेशन बन रहा है पाइथागोरस थ्योरम जैसा इक्वेशन बन रहा है। दैट मींस हियर वी कैन से दैट स्क्वायर ऑफ ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ स्मॉलर नंबर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर ग्रेटर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉलर नंबर के स्क्वायर की सम, ऐसा इक्वेशन यहां पर बन रहा है। इसका मतलब ये जो गिवन ट्रिपलेट है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। सो फाइनल आंसर वी कैन राइट देयरफॉर 3, 4, 5 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो यहां पर हमें जो फर्स्ट ट्रिपलेट था वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल गया। चलो अभी सेकंड एग्जांपल का आंसर लिखेंगे। सेकंड एग्जांपल में जो ट्रिपलेट दिया है दैट इज 2, 4, 5, तो ये भी हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं वेरीफाई करना है। तो यहां पर भी हम आंसर में पहले गिवन ट्रिपलेट मेंशन करेंगे, गिवन ट्रिपलेट दैट इज 2, 4, 5। अब यहां पर ग्रेटर नंबर कौन सा है, 5, तो सबसे पहले ग्रेटर नंबर का स्क्वायर फाइंड करेंगे। 5 का स्क्वायर दैट इज 25, सपोज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब स्मॉलर नंबर्स के स्क्वायर्स की सम फाइंड करेंगे एंड 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 4 16, तो 4 और 16 की सम कितनी आएगी 20। तो ये सेकंड इक्वेशन हमें बन रहा है, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन में जो वैल्यू आया और सेकंड इक्वेशन में जो वैल्यू आया वो दोनों सेम नहीं आ रहे।
तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम जैसे इक्वेशन नहीं बन रहा है, ग्रेटर नंबर का स्क्वायर और स्मॉलर नंबर के स्क्वायर की सम इक्वल नहीं आ रही है, इसका मतलब ये जो गिवन ट्रिपलेट है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो यहां पर हम ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, फाइव स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू टू स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, यानी पाइथागोरस थ्योरम जैसा इक्वेशन यहां पर नहीं बना है, सो वी कैन से दैट दिस गिवन ट्रिपलेट इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो आंसर आएगा 2, 4, 5 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इस तरह से सेकेंड एग्जाम्पल में जो ट्रिपलेट दिया है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, लेकिन फर्स्ट एग्जाम्पल में जो ट्रिपलेट है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब इसके बाद थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल करेंगे। चलो अभी क्वेश्चन वन का थर्ड एग्जाम्पल करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल इज 4, 5, 6। आंसर, आंसर में सबसे पहले गिवन ट्रिपलेट मेंशन करेंगे, गिवन ट्रिपलेट 4, 5, 6। अब यहां पर सबसे बड़ा नंबर 6 है, तो 6 का स्क्वायर पहले फाइंड करेंगे। 6 स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर 6 6 36 आता है। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड स्मॉलर नंबर के स्क्वायर्स की सम फाइंड करेंगे। स्मॉलर नंबर, पहला स्मॉलर नंबर 4 है उसका स्क्वायर, दूसरा स्मॉलर नंबर 5 है उसका स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर मिलता है 4 4 16 प्लस 5 का स्क्वायर 5 5 25। अब ये दोनों की सम कितनी आएगी, 5 प्लस 6 11, कैरी 1, 1 प्लस 2 3 3 प्लस 1 4, यानी ये दोनों नंबर्स की सम 41 आ रही है। तो यहां पर इक्वेशन 1 और 2 में जो वैल्यूज हमें मिले वो दोनों इक्वल नहीं मिल रही, यानी यहां पर पाइथागोरस थ्योरम जैसा इक्वेशन नहीं बन रहा है। दैट मींस हियर वी कैन राइट 6 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इसका मतलब स्क्वायर ऑफ ग्रेटर नंबर इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ स्मॉलर नंबर, एंड देयरफॉर दिस गिवन ट्रिपलेट इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सो फाइनल आंसर 4, 5, 6 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। एग्जाम्पल 4 में जो ट्रिपलेट दिया है दैट इज 2, 6, 7। अब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं वेरीफाई करना है। सो आंसर में सबसे पहले गिवन ट्रिपलेट लिखेंगे 2, 6, 7। यहां पर ग्रेटर नंबर 7 है, तो सबसे पहले ग्रेटर नंबर का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 7 7 से आता है 49, इक्वेशन 1। एंड देन आफ्टर स्मॉलर नंबर के स्क्वायर की सम फाइंड करेंगे, दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आता है 4, 6 का स्क्वायर 36, दोनों की सम आएगी 40, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 और 1 में जो वैल्यूज हमें मिले हैं दोनों इक्वल नहीं है, तो यहां पर भी हमें पाइथागोरस थ्योरम जैसे इक्वेशन नहीं बन रहा है। दैट मींस हियर ऑल्सो वी आर गेटिंग 7 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ग्रेटर नंबर का स्क्वायर और स्मॉलर नंबर के स्क्वायर की सम इक्वल नहीं मिल रही है। दैट मींस दिस गिवन ट्रिपलेट इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो आंसर आएगा 2, 6, 7 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इस तरह से ये थर्ड और फोर्थ दोनों एग्जांपल्स में जो ट्रिपलेट्स थे वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। चलो इसके बाद करेंगे एग्जांपल नंबर 5 एंड 6। चलो अभी क्वेश्चन 1 के लास्ट 2 एग्जांपल्स, यानी एग्जांपल 5 और 6 करते हैं। उसमें से एग्जांपल 5 है 9, 40, 41। एग्जांपल 5 इज 9, 40, 41। तो आंसर में सबसे पहले गिवन ट्रिपलेट लिखेंगे, गिवन ट्रिपलेट इज 9, 40, 41।
यहां पर सबसे बड़ा नंबर है 41, तो उसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। 41 स्क्वायर इज इक्वल टू 41 इंटू 41 करना होगा, तो देखो 41 इंटू 41 करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू ये 4 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 वन जा 4 और 4 फोर जा 16, 1861, तो 41 का स्क्वायर हमें मिल रहा है 1681, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद स्मॉलर नंबर के स्क्वायर्स की सम फाइंड करेंगे, एंड पहला स्मॉलर नंबर 9 उसका स्क्वायर प्लस दूसरा स्मॉलर नंबर 40 उसका स्क्वायर, 9 का स्क्वायर आता है 81, 9 9 81 प्लस 40 का स्क्वायर करेंगे तो पहले 4 का स्क्वायर लिखो, 4 का स्क्वायर 16 और एक जीरो है तो उस पे दो जीरो लिखो, तो 40 का स्क्वायर हो गया 1600। अब ये दोनों की एडिशन कितनी आएगी, ये दोनों की एडिशन करेंगे तो 1681 आएगी, तो इस तरह से ये हमें इक्वेशन 2 मिल गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जो वैल्यूज हमें मिले वो दोनों सेम है, 1681 1681, तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम जैसा इक्वेशन मिल रहा है हमें, देयरफॉर वी कैन से दैट ग्रेटर नंबर का स्क्वायर 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉलर नंबर के स्क्वायर्स की सम, यानी 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, तो इस तरह से यहां पर इक्वेशन हमें मिल रहा है। सो वी कैन से दैट दिस गिवन ट्रिपलेट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, सो फाइनल आंसर 9 40 41 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो एग्जांपल 5 में हमें जो ट्रिपलेट है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल गया। अब लास्ट एग्जांपल, क्वेश्चन 1 का लास्ट एग्जांपल, 6th एग्जांपल, गिवन ट्रिपलेट इज 4 7 8। अब यहां पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8, तो उसका स्क्वायर फाइंड करेंगे, 8 स्क्वायर 8 8 64, इक्वेशन 1, एंड स्मॉलर नंबर के स्क्वायर्स की सम, पहला स्मॉलर नंबर 4 प्लस दूसरा स्मॉलर नंबर 7, तो ये सम कितनी आएगी, 4 का स्क्वायर आएगा 16 प्लस 7 का स्क्वायर 7 7 49, अब ये दोनों नंबर्स की सम कितनी आएगी, 9 प्लस 6 15, 15 के लिए 5 कैरी 1, कैरी 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 1 6, हाँ तो ये टोटल सम हमें 65 मिल रही है। अब इक्वेशन 1 और 2 में जो वैल्यूज आए वो दोनों इक्वल नहीं है, 64 65 नॉट इक्वल, तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम जैसे इक्वेशन नहीं मिलेगा। सो हियर वी आर गेटिंग देयरफॉर ग्रेटर नंबर का स्क्वायर एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ स्मॉलर नंबर्स इज नॉट इक्वल, तो यहां पर इक्वालिटी नहीं आ रही है, नॉट इक्वालिटी साइन, और पाइथागोरस थ्योरम जैसे इक्वेशन नहीं बना, सो दिस ट्रिपलेट इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, एंड देयरफॉर 4 7 8 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इस तरह से एग्जांपल नंबर 6 में भी हमें जो ट्रिपलेट है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया, इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलो अभी प्रैक्टिस सेट 49 का क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 इज द साइड्स ऑफ सम ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, फाइंड आउट विच वंस आर राइट एंगल ट्रायंगल्स, और यहां पर भी हमें 5 एग्जांपल्स दिए हैं, हर एक एग्जांपल में हमें ट्रायंगल के 3-3 साइड्स दिए हैं और उनको ऑब्जर्व करके वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है हमें वेरीफाई करना है। तो यहां पर भी हमें क्वेश्चन 1 जैसा ही काम करना पड़ेगा, अगर पाइथागोरस थ्योरम जैसा इक्वेशन बन रहा है गिवन 3 साइड्स में तो हम कहेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर पाइथागोरस थ्योरम जैसा इक्वेशन नहीं बन रहा है देन वी विल से दैट ट्रायंगल इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो चलो पहले एग्जांपल का आंसर लिखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में हमें 3 साइड्स जो दिए हैं वो है 8 15 17, तो यहां पर हमें राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं वेरीफाई करना है, ये जो 3 साइड्स है वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं या नहीं वेरीफाई करना है। तो आंसर में पहले सबसे पहले गिवन साइड्स मेंशन करेंगे, गिवन साइड्स दैट इज 8 15 17,
अब यहां पर सबसे बड़ी साइड है 17, तो उसका स्क्वायर फाइंड करेंगे 17 स्क्वायर. 17 का स्क्वायर आता है 289, इसे इक्वेशन वन कह देंगे. उसके बाद स्मॉलर जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर की सम फाइंड करेंगे, एंड 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर. अब 8 का स्क्वायर आता है 8 8 64, प्लस 15 का स्क्वायर आता है 225, और ये दोनों नंबर्स की एडिशन करेंगे तो वो आएगी 289. देखो 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 6 8, और ये 2 एज इट इज, तो ये इसे इक्वेशन 2 कह देंगे. अब इक्वेशन 1 और 2 में जो हमें वैल्यू मिली वो सेम मिल गई, यानी यहां पर हमें पाइथागोरस थ्योरम जैसा इक्वेशन मिल रहा है. दैट मींस हियर वी कैन से दैट देयरफॉर वी आर गेटिंग 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, यानी ग्रेटर साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्मॉलर साइड्स. तो ये पाइथागोरस थ्योरम जैसा इक्वेशन बन गया. दैट मींस वी कैन से दैट दीज 3 गिवन साइड्स फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल. इन शॉर्ट वी कैन राइट द फाइनल आंसर, दैट इज इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. इट इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. तो इस तरह से यहां पर जो गिवन 3 साइड्स हैं वो एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करती है. इस तरह से हमें आंसर मिल गया. चलो अभी सेकंड एग्जांपल करते हैं. सेकंड एग्जांपल में भी हमें ट्राइंगल के 3 साइड्स दिए हैं, तो क्या ये 3 साइड से हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, ये वेरीफाई करेंगे. आंसर, सबसे पहले आंसर में गिवन साइड्स को मेंशन करेंगे. गिवन साइड्स, एंड गिवन साइड्स आर 11 12 15. सबसे बड़ी साइड है 15, तो उसका स्क्वायर फाइंड करेंगे. 15 का स्क्वायर 225 होता है, इसे इक्वेशन 1 कह देंगे. एंड स्मॉलर साइड्स के स्क्वायर्स की सम, यानी 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर आता है 11 × 11 करके 121, प्लस 12 का स्क्वायर 12 × 12 करेंगे तो 144 आता है. अब ये दोनों नंबर की सम 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 2 6, एंड 1 प्लस 1 2, इसे इक्वेशन 2 कह देंगे. अब इक्वेशन 1 में और 2 में जो वैल्यू हमें मिली है वो इक्वल नहीं है, इसका मतलब यहां पर पाइथागोरस थ्योरम जैसा इक्वेशन नहीं बनेगा. दैट मींस हियर वी कैन राइट देयरफॉर 15 स्क्वायर, यानी ग्रेटर साइड का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू, इक्वेशन नहीं बन रहा है, वैल्यू सेम नहीं आ रही, इसका मतलब इक्वेशन नहीं बन रहा है, इज नॉट इक्वल टू 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. ग्रेटर साइड का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ स्मॉलर साइड्स. दैट मींस पाइथागोरस थ्योरम जैसा इक्वेशन यहां पर नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये साइड्स राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर रहे हैं. सो इन शॉर्ट वी विल राइट इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल. इट इज नॉट अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. तो यहां पर सेकेंड एग्जाम्पल में हमें जो 3 साइड्स दिए हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर रहे हैं. तो इस तरह से ये पहले 2 एग्जाम्पल्स हो गए. इसके बाद करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 और 4. चलो अभी क्वेश्चन 2 का 3rd और 4th एग्जाम्पल करते हैं. सो एग्जाम्पल 3 इज 11 60 61. तो ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होता ही नहीं, यहां पर हमें फाइंड करना है. सो आंसर, 3rd एग्जाम्पल में जो 3 साइड दी है वो है 11 60 61. आंसर में सबसे पहले गिवन साइड्स मेंशन करेंगे. गिवन साइड्स आर 11 60 61. हियर ग्रेटर साइड इज 61, तो सबसे पहले ग्रेटर साइड का स्क्वायर फाइंड करेंगे. 61 का स्क्वायर, तो 61 का स्क्वायर 61 × 61 मल्टीप्लाई करके मिलेगा. 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 61 ही आएगा, प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 1 = 6 और 6 × 6 = 36. तो एडिशन आएगा 1 6 + 6 = 12, यानी 1 7 और 3, 3721 आ रहा है 61 का स्क्वायर. सो 61 स्क्वायर इज इक्वल टू 3721, इक्वेशन 1. अब उसके बाद
स्मॉलर साइड्स के स्क्वेयर्स की सम फाइंड करेंगे, एंड 11 स्क्वेयर प्लस 60 स्क्वेयर, 11 का स्क्वेयर 121 आता है, प्लस 60 का स्क्वेयर करेंगे तो 6 का स्क्वेयर लिखो, 6 का स्क्वेयर 36 और एक जीरो है तो स्क्वेयर करने पर दो जीरो आ जाएंगे, तो इसका एडिशन करेंगे, इसका एडिशन 0 प्लस 1 यानी 1, 0 प्लस 2 यानी 2, 6 प्लस 1 यानी 7 और ये 3 एज इट इज, अब इसे इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। अब इक्वेशन 1 और 2 में जो वैल्यू मिला वो सेम है, 3721, तो यहां पर हमें पाइथागोरस थ्योरम जैसा इक्वेशन मिल रहा है, एंड देयरफॉर वी कैन राइट 61 स्क्वायर इज इक्वल टू 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, ग्रेटर साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्मॉलर साइड्स, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट दीज थ्री साइड्स फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंड सो इन शॉर्ट वी विल राइट इन आवर आंसर इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इट इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। यहां पर क्वेश्चन में हमें यही बोला है, ये गिवन साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं ही नहीं, ये वेरीफाई करना है, तो थर्ड एग्जांपल में हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। अब फोर्थ एग्जांपल करेंगे, फोर्थ एग्जांपल में जो थ्री साइड्स दिए हैं वो है 1.5, 1.6, 1.7, तो आंसर में सबसे पहले गिवन साइड्स मेंशन करेंगे, 1.5, 1.6, 1.7, अब यहां पर सबसे बड़ी साइड कौन सी है 1.7, तो उसका स्क्वायर पहले फाइंड करेंगे, आंसर में सबसे पहले ग्रेटर साइड का स्क्वायर 1.7 का स्क्वायर, 1.7 का स्क्वायर करना है तो पहले आप 17 का स्क्वायर करो, 17 का स्क्वायर आता है 289 और 1.7 का स्क्वायर निकला है तो पॉइंट के आगे यहां पर एक डिजिट है, तो स्क्वायर करने पर पॉइंट के आगे दो डिजिट आने चाहिए, तो 1.7 का स्क्वायर आएगा 2.89, इक्वेशन 1। अब उसके बाद स्मॉलर साइड के स्क्वायर्स की सम फाइंड करनी है, एंड 1.5 का स्क्वायर प्लस 1.6 का स्क्वायर, अब 1.5 का स्क्वायर करना है तो 15 का स्क्वायर लिखो, 15 का स्क्वायर होता है 225 और अभी 1.5 का स्क्वायर चाहिए तो पॉइंट के आगे दो डिजिट आने चाहिए तो 2.25, प्लस 1.6 का स्क्वायर करना है तो 16 का स्क्वायर लिखो, 16 का स्क्वायर होता है 256, अब पॉइंट आगे यहां पर एक डिजिट है तो आंसर में पॉइंट आगे दो डिजिट आने चाहिए तो 1.6 का स्क्वायर आएगा 2.56। अब इनके एडिशन देखो, इनके एडिशन 6 प्लस 5 दैट इज 11, 11 के लिए 1 कैरी 1, उसके बाद ये 5 प्लस 2 7 और ये कैरी 1 8, उसके बाद ये 2 प्लस 2 4 और डेसिमल के आगे दो डिजिट है तो आंसर में भी डेसिमल के दो डिजिट नहीं चाहिए, तो ये दोनों नंबर्स की सम आ गई 4.81, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 में जो वैल्यू मिला है और इक्वेशन 2 में जो वैल्यू मिला है वो सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब यहां पर इक्वेलिटी नहीं बन रही, इक्वेशन नहीं बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम जैसे इक्वेशन नहीं बन रहा है, सो हम लिखेंगे ऑब्जर्वेशन, देयरफॉर 1.7 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1.5 स्क्वायर प्लस 1.6 स्क्वायर, यानी ग्रेटर साइड का स्क्वायर और स्मॉलर साइड के स्क्वायर की सम इक्वल नहीं आ रही है, यानी पाइथागोरस थ्योरम जैसे इक्वेशन नहीं बन रहा है, दैट मींस दीज साइड्स डू नॉट फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म नहीं करती है, तो यही हम आंसर शॉर्ट में लिखेंगे, इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस तरह से फोर्थ एग्जांपल में हमें राइट एंगल ट्रायंगल नहीं मिला, इसके बाद क्वेश्चन 2 का और एक एग्जांपल बाकी है, एग्जांपल नंबर 5 उसको करेंगे। चलो अभी क्वेश्चन 2 का लास्ट एग्जांपल यानी एग्जांपल 5 करते हैं, और यहां पर एग्जांपल 5 में हमें थ्री साइड्स दिए हैं 40, 20, 30, और ये थ्री साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं या नहीं हमें वेरीफाई करना है, तो चलो आंसर लिखेंगे एग्जांपल 5 के थ्री साइड्स 40, 20, 30, आंसर
गिवन साइड्स, गिवन साइड्स आर 40, 20 एंड 30। अब यहां पर सबसे बड़ी साइड है 40, तो उसका स्क्वायर पहले फाइंड करेंगे। 40 स्क्वायर, 40 का स्क्वायर करना है तो 4 का स्क्वायर लिखो, 4 का स्क्वायर 16, और यहां पर एक जीरो है तो स्क्वायर करने पर दो जीरो हो जाएंगे, तो 40 का स्क्वायर हो गया 1600, इक्वेशन वन। अब उसके बाद स्मॉलर साइड्स के स्क्वायर्स की सम फाइंड करेंगे, एंड 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर इक्वल टू, 20 का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर लिखो, 2 का स्क्वायर 4, और एक जीरो है तो दो जीरो, तो यानी 20 का स्क्वायर हो गया 400 प्लस 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर आएगा 900, ओके 3 का स्क्वायर 9 और एक जीरो है तो दो जीरो गए। अब ये 400 प्लस 900 करेंगे तो सम आएगा 009 प्लस 4 13, तो ये इक्वेशन 2 बन गया। अब इक्वेशन 1 में वैल्यू 1600 मिला है, इक्वेशन 2 में 1300, तो इक्वेशन 1 और 2 का वैल्यू सेम नहीं मिला है, इसका मतलब यहां पर इक्वेशन नहीं बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम से इक्वेशन नहीं बन रहा है। दैट मींस वी कैन राइट आवर ऑब्जर्वेशन, 40 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, तो ये पाइथागोरस थ्योरम जैसे इक्वेशन यहां पर नहीं फॉर्म हुआ है। दैट मींस वी कैन से दैट दीज थ्री गिवन साइड्स डू नॉट फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये गिवन थ्री साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म नहीं करते हैं, और इसी को हम शॉर्ट में लिखेंगे, इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, देयरफॉर इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। इस तरह से एग्जांपल 5 में हमें जो गिवन साइड्स है वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म नहीं करते, ऐसा आंसर मिला। तो इसके साथ ही ये प्रैक्टिस सेट 49 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 50 का स्टडी शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।